हर कोई ये बताता है कि हाउ टू ग्रो योर गेमिंग चैनल, पर ये कोई नहीं बताता हाउ टू स्टार्ट योर गेमिंग चैनल। मतलब आप लोग शुरुआत में ही गलती कर बैठते हो तो बाद में आपका बहुत टाइम लग जाता है गेमिंग चैनल ग्रो होने में। तो मैं इस वीडियो में ऐसे 5 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका गेमिंग चैनल जल्द से जल्द ग्रो होगा दूसरों के मुताबिक। और आप ये मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो, एक लाइक या डिसलाइक जो भी आपको पसंद या फिर नापसंद हो, और कमेंट पे ज़रूर सवाल करना, उसका जवाब मैं दूंगा ही दूंगा। अब आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गेमिंग चैनल कितने तरीके के होते हैं। तो गेमिंग चैनल मेनली 4 तरह की होता है। पहला है वॉक थ्रू या फिर गेम प्ले चैनल, दूसरा है लाइव स्ट्रीम चैनल, तीसरा है इन्फॉर्मेटिव चैनल, चौथा है फैक्ट्स चैनल। गलती नंबर 5, आप लोग चैनल को सर्च में लाना चाहते हो पर मिलता नहीं है। इसका कारण ये है कि चैनल का डिस्क्रिप्शन और टैग्स में चैनल का नाम नहीं होता। तो हर वीडियो में जैसे आप लोग चैनल का नाम टैग्स में लगाते हो, वैसे ही चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन में और चैनल टैग्स में लगाना है, जैसे कि अपना चैनल सर्च में आ जाए। अब आता है गलती नंबर 4 में। तो गलती नंबर 4 में तुम लोग क्या करते हो, अपने चैनल में कुछ भी डालते हो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गेमिंग चैनल 4 तरह की होता है, तो उसमें से सिर्फ पहले जब तुम्हारा 0 सब्सक्राइबर हो तब सिर्फ इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स वाले डालने चाहिए। अब फैक्ट्स वाले चैनल के लिए मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं इस वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो के साथ साथ। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेटिव या फिर फैक्ट्स वाले डाल रहे हो तो उसे ऐसा टाइटल ढूंढो जो लोग सर्च करें, और उसे टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन तीनों में ही डालो। इससे क्या होता है, YouTube समझ जाता है तुम्हारा वीडियो किस बारे में है और वो सर्च में ला देता है। गलती नंबर 3, लोग बोलते हैं YouTube में रहने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं कब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है जब तुम्हारा थोड़ा सा भी सब्सक्राइबर बेस बन जाए तब, पहले वाले टाइम पे नहीं। पहले वाले टाइम में तुम्हें क्वालिटी वीडियोस ढूंढना है जो लोगों की इमोशंस को देखे, इमोशंस को हिट करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं GTA 5। GTA 5 कोई गेम नहीं है हम इंडियंस के लिए, GTA 5 हमारे लिए एक इमोशन है। तो इमोशन ढूंढो, इमोशन ढूंढने पे तुम्हारा चैनल जल्द से जल्द स्टार्टअप हो जाएगा। गलती नंबर 2, जो मैं भी कर रहा हूँ अभी भी। तो गलती नंबर 2 क्या है, अब देखो एग्जांपल के तौर पर YouTube कैसे समझ लेता है ये वीडियो इसके बारे में है। तो YouTube कैसे समझता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स मैच करके, है ना। ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग भी है। हमारा दिमाग वीडियो का जो थंबनेल है उसमें हमारा थोबरा देखता है, फिर जो लोगो है हमारा चैनल लोगो उसमें भी हमारा थोबरा देखता है। इससे क्या होता है, मैच हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे चैनल के ऐसे वीडियोज़ ढूंढते हैं उसकी थोबरा याद रख के। ऐसा गलती मत करना, मैं अभी भी कर रहा हूँ और उसका तो भुगत ही रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं। गलती नंबर 1, ये कभी भी मत करना कि अपना थंबनेल को इग्नोर करो। अपना थंबनेल सबसे अच्छा बनाओ। कैसे बनाते हैं, अगर चाहते हो बहुत सारे वीडियोस हैं, देख सकते हैं यूट्यूब में, मेरा कोई ज़रूरत नहीं इसमें। तो अपना थंबनेल को कभी भी इग्नोर मत करना। अगर अपना थंबनेल को इग्नोर करते हो ना तो ये बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी। थंबनेल में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस बारे में तुम वीडियो बना रहे हो। और हाँ, थंबनेल में तुम्हारा टाइटल भी होना चाहिए। अगर होता है तो तुम्हारा वीडियो जल्द से जल्द सर्च में आने की चांसेस है, मतलब आएगा ही, कुछ वक्त के लिए थोड़ी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जवाब मैं दूंगा, कमेंट करो। अब आता है शॉर्ट्स के बारे में। तो मैंने कुछ वीडियो में कुछ देर पहले कहा था कि YouTube के शॉर्ट्स में, मतलब जो फैक्ट्स वाले चैनल होंगे वो शॉर्ट्स कैसे यूज़ करें, मैंने शॉर्ट्स के बारे में बताया नहीं। तो YouTube का जो शॉर्ट्स होता है उसमें अपना फैक्ट्स अपलोड करो अच्छे से, और टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में तीनों शॉर्ट्स का जो टाइटल होगा उसे तीनों लिख दो। इससे क्या होगा, तुम्हें कम से कम 200-300 व्यूज़ तो मिल जाएंगे ना। वो शॉर्ट्स को स्किप नहीं कर सकता, मतलब स्किप नहीं कर सकता। बाद में शॉर्ट्स को डाउन कर देते हैं यूट्यूब, उसे क्या भी किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीक्रेट ट्रिक था शॉर्ट्स यूज़ करने का फैक्ट्स चैनल वालों के लिए। तो अपना शॉर्ट्स यूज़ करो, मज़े करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय।